जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग? हंसते रहो, खुश रहो और इंजॉय करो। आज क्योंकि संडे है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, यकीनन आप लोग बाहर होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। एनीवेज, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का वीडियो मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड भी है और इसके अलावा शार्क टैंक जो कि इंडिया में एक न्यू आइडिया और बिजनेस और करने वाले जो स्पेशली बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इंडिया में जो रोबोट है बेसिकली ये बना मतलब ये कोई बनाने का वो कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये मेड इन इंडिया रोबोट्स जो हैं वो उसके बारे में कि क्या बिजनेस है, कैसे है और इसके सारे बारे में सब कुछ और कौन कौन इन्वेस्ट करता है वो भी देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा न्यू व्लॉग आ चुका है ऑन साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल, तो जल्दी से जाओ और मेरा व्लॉग देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। सो लेट्स हेलो साक्स, मैं हूँ प्रतीक तिरोडकर और मैं हूँ आशीष पाटिल और हम हैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। तो साक्स, हमारी कंपनी आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जैसे न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करती है। हमारा आज के 50 लाख फॉर 4% इक्विटी और आज हम लोग कुछ खास लेके आए हैं जो हमारे कंपनी द्वारा निर्मित है और वो है खास मेहमान। हेलो शार्क्स, मेरा नाम एडो है। मैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित हूँ और हम मुंबई से आए हैं। कसा काय मुंबई, मैं एडो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव रोबोट हूँ। शार्क्स, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं मराठी मध्य बोलो शिकतो, मैं हिंदी में भी आपकी भाषा समझ सकता हूँ। मैं आपका चेहरा याद रख के आपको पहचान सकता हूँ। हंसना, चिढ़ना या गुस्सा होना ऐसे मनुष्यों जैसी भावनाएं भी है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आपकी भी भावना आपके नजदीकी लोगों जैसे सिर्फ चेहरा देख के समझ सकता हूँ। मैं इन्हीं हाथों से और मैं मुंह पे बने भावनों से मैं हाव भाव व्यक्त कर सकता हूँ। मैं पैड पे लगे 21 इंच कियोस्क से आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। मैं खुद ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी मैं खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बस मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ कितनी करूँ, जिन्होंने मुझे बनाया है अब मैं उन्हें बोलने दे रहा हूँ। धन्यवाद एडो, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। उसके पीठ के ऊपर एक डिस्प्ले है जिसका हम लोग एक कियोस्क की तरह यूज करने वाले हैं। एडो को हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए यूज कर सकते हैं, मॉल्स में एंगेजमेंट, इंटरेक्शन और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एंगेजमेंट इंटरेक्शन की बात आती है वहाँ वहाँ हम लोग एडो को यूज कर सकते हैं। तो हर एक शाक के लिए हम लोग ने कुछ ना कुछ तो एक आइडेंटिफायर रखा है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। चलो यार आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। Hi Piyush, how are you? You have very cool glasses. Nice. ओ गुस्सा हो गया भाई। उन्होंने वजह है शक्ल की। इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो ग्लैड टू मीट यू, मैं आपका ही म्यूजिक सिस्टम यूज कर रहा हूं। कमाल है। वाओ, उसने कड़वा चेहरा बनाया आपका। हेलो नमिता, हाउ आर यू? मुझे भी एमक्यू वैक्सीन लेनी पड़ेगी क्या? अरे हाथ तो मिला लो। वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसीलिए हाथ नहीं मिलाया इन्होंने। तो प्रतीक हर्ष, अभी हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, उससे पहले हम समझना चाहते हैं आपकी एज कितनी है। माय एज इज 24। वाओ, आपकी 24? अरे अमेजिंग यार, इनोवेशन एट दैट एज इज ब्यूटीफुल। आपका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा उसके बारे में बताओगे? आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। मैंने 200 से ज्यादा कॉलेज में आज तक ट्रेनिंग्स डिलीवर की है, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, NITs। वाओ। देन मैंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी प्रोटोटाइप बनाया हुआ था जो इंडियन नेवी का एक कवच करके एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। और कुछ? हाँ? और कुछ नहा, अभी तो चालू अभी है। और बताओ बताओ बताओ, सब बताओ बताओ बताओ।
हाँ तो मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो मतलब मेन मैन है वही मैं आपको बता रहा हूँ तो बोलते रहो पहले ये बताओ ये भी रोबोट है क्या तो आप बताओ अपने बारे में थोड़ा बोलने देगा तब बोलूंगा हमारे साथ भी यहाँ ऐसा ही होता है तो हम आपका दर्द समझते हैं या आपको नहीं बोलना चाहिए हमें बोलना His core knowledge is IoT, robotics. मेरा core knowledge है AI में. तो इसमें जो कुछ भी algorithms use किया हम लोग ने mapping के लिए या navigation के लिए तो वो हम लोग साथ में मिलकर बना है. But एक चीज बताओ ये वाला जो है मशीन ये वो होता है ना जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लोगों को yes, yes. वही है ना ये right. वाली मशीन right. ये आप ही ने दी थी हाँ, that's amazing. इसका कुछ video है इस मशीन का है. दिखाओ एक बार हाँ ये मैंने देखी थी So, इसके पहले भी दो छोटे प्रोटोटाइप बनाए थे कोविड के लिए फिर बातें डॉक्टर से होती रही उनको क्या चाहिए इनपुट्स लेते गए फिर ये थर्ड प्रोटोटाइप बना सो ये क्या करता था कोविड वार्ड में जाके फूड डिलीवरी रहेगा या फिर जो पुराने क्लोथ्स है पेशेंट्स के वो आपको अगर बाहर लेके आने हैं तो वो काम ये करता था हमको समझ आ गया तो बहुत सारी yeah. चीजें करी हैं बट अब तुम ये फुल टाइम कर रहे हो यस yes. तो तुम्हारा एंड यूज केस क्या है तुमको एक ऐसा प्रोजेक्ट टाइप रोबोट बनाना है या तुमको हार्डकोर रोबोटिक्स में घुसना है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं दिखाने के लिए या फिर मार्केट करने के लिए तो वो ये है लेकिन वी वांट टू वर्क कोर रोबोटिक्स जैसे कि 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके अंदर है तो वो पार्ट तो हम लोग एक अलग रोबोटिक आर्म बना सकते हैं वो ठीक है प्रतीक आशीष ये काम तो 25 साल पहले भी हो रहा था ऐसे रोबोट्स बहुत देखे तो पूछने का ये मतलब है कि आप इसमें बिजनेस क्या बना रहे करंट प्रोटोटाइप जो है हमारा स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रेडी टू बाय दिस इसका जो सेलिंग मॉडल है हमारा करंट जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी इसमें कैसे बनती है तो वो तो एक रोबोटिक्स एंथुजियास्ट मार्केट हो गया ना यू टीच पीपल रोबोटिक्स इसके जरिए बट इट इज़ नॉट अ बिजनेस एप्लीकेशन मतलब आप कोई बिजनेस के लिए नहीं बेच रहे हो अभी जो नए सिलेबस आए हैं या फिर जो अभी स्कूल लेवल से पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह सब चीज़ें स्टार्ट हो गई है फ्यूचर इज ऑल अबाउट रोबोटिक्स तो जो हम लोग के कनेक्ट में कॉलेज है वो सामने से हमें ये पूछते हैं कि डू यू हैव एनी फिजिकल प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे नहीं है लेकिन जो प्रोटोटाइप बनाया है उसे भी हम लोग बेचना चाहते हैं अभी अभी ये किसका क्या कॉस्ट है आप? ये हम लोग 6 लाख सोचे सेल करने मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बना रहे हो मैं चाहता हूँ कि आप रोबोटिक्स में जो भी कर रहे हैं कीजिए लेकिन अगर बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं इससे बाहर होता हूँ आज आई विश यू द बेस्ट मैं भी अनुपम भाई की बात से सहमत हूँ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करते हो आप एजुकेशन में इंडस्ट्री में एजुकेशन ऑफ रोबोटिक्स में वी आर इनटू अ रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग अभी तक ऐसे लग रहा है कि आप खाली एजुकेशन में नहीं आपको रोबोटिक्स की नॉलेज है वो अच्छी बात है उसकी एप्लीकेशन अभी तक क्लियर नहीं हो रही मेरे भी माइंड में कि आप क्या करना चाहते हो फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो प्रतीक और आशीष अब निराश मत होइए बिकॉज़ यू आर ओनली 24 या तो आप सीखेंगे और आप क्रैक करेंगे एट सम पॉइंट ठीक है लेकिन अभी जो है आपका बिजनेस मॉडल इतना क्लियर नहीं है और मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है जहां मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी सो आई एम आउट पर ये किसी के यूज नहीं आ सकता है क्लियरली बता रहा हूँ 1980 में ये इसको रोबोट लोग समझते थे आज की डेट में कोई भी समझदार बंदा इसको रोबोट नहीं मानता मेरी तरफ से छोड़ दो इसको तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो अगर तुमको कोडिंग आती है तुम हार्डवेयर कर सकते हो किसी अच्छी कंपनी में काम करो समझो पहले प्रॉब्लम क्या है सॉल्व क्या करना है एंटरटेनमेंट है ये और कुछ नहीं है मैं इससे बाहर हूँ मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 लाख फॉर 25% और 25 लाख का मैं आपको लोन दूंगा अगर कुछ आपको चाहिए होंगे पार्ट्स वगैरह के लिए नॉट बैड मैं आपको गाइड करूंगा और जैसे जैसे इसको आगे डायरेक्शन देंगे पर ये कंडीशन ये है कि आपको ना एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कस करके उस पर फोकस करना पड़ेगा श्योर सर तो इसमें जो आपने ऑफर किया है बाकी शाक सर आउट तो क्या देख के आपने ऑफर किया आप खुद भी सरप्राइज हो गए क्या ऑफर मिल गया क्या आप पूछ रहे हो क्या सरप्राइज तो नहीं है आपको देख के कि आपको रोबोटिक्स और एआई का नॉलेज है Correct.
अगर जैसे आपने कहा कि रोबोटिक आर्म्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स इंडिया में बनाने, ठीक है, आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स का फिर एक फोकस लेके हम आपस में अग्री करके फिर आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स बनाएंगे, अगर आप तीनों अग्री करेंगे। For 20% equity. नहीं यार, मैं इससे नीचे नहीं कर पाऊंगा। तो अब आंसर है yes and no. Deal. Oh! All right. चलिए। Good decision. Good decision. Good decision. Good call. Best. You will have a good person guiding you. Good work. आपने काफी काम किया है। आई टोटली अग्री कि इंडिया में रोबोट्स बनने चाहिए और बनेंगे, और आप उम्मीद है इंडिया की, इसलिए आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं। वेरी गुड, अमेजिंग यार, बहुत बड़ी बात है कि पीयूष सर जो हैं, हालांकि सबने मना कर दिया, लेकिन पीयूष सर जो हैं उन्होंने सबकी उनकी उनको मतलब कि एक हौसला दिया है और उनको एक ख्वाहिश दी है कि तुम जो हो ये मतलब 20% शेयर लेकर और उनको हेल्प किया है। और ये है कि पहले वो सोच रहे थे कि हम डील करें कि नहीं करें, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने डील कर लिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस करते वक्त थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होना ही पड़ता है। और दूसरी बात कि पीयूष सर समझते हैं कि भारत में ये रोबोट का जो सीन है होना चाहिए बिजनेस, ताकि लोग जो हैं इससे इंडिया में भी रोबोट बने और वो भी मेड इन इंडिया। और अब बात करते हैं उन लड़कों की, तो यार देखो 24 इयर्स की एज में उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। नो डाउट इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उनको अगर कोई सपोर्ट करे, अगर उनकी काबिलियत इतनी इस हद तक है कि उन्होंने एक रोबोट तैयार किया और उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये सारे फीचर्स आपसे, जैसे अश्नीर सर ने भी कहा कि बहुत साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब इसको उस टाइम पर रोबोट कहा जाता था, अब रोबोट नहीं कहा जाता, मतलब कि अब एडवांस हो गए हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि बात तो अश्नीर सर की भी ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इन लोगों ने इतनी कम एज में इतना कुछ किया, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी कंटिन्यूसली और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जिसमें जो है वो मतलब कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये इनकी हेल्प से और अच्छा रोबोट तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि जापान में देखो, जापान में भी रेस्टोरेंट में इतने सारे वो बने हुए हैं जो होते हैं रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें रोबोट काम कर रहे हैं, सर्विंग करते हैं, फूड सर्व कर रहे हैं, मतलब इस तरह की आउट ऑफ कंट्रीज में आपको बहुत सारी जगहों पर रोबोट की सर्विस मिलती है इंस्टेड ऑफ वेटर। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सर्विस होगी अगर मतलब कि इंडिया में भी इस तरह के रोबोट्स जो हैं वो कम प्राइस में जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया में भी ये रोबोट की कोई वेटर वाली सर्विस है, शायद कोलकाता में है, मैंने एक वीडियो तो देखा था, लेकिन मुझे कर्ली टेल्स के नाम से, लेकिन मुझे याद नहीं है वो सिटी का नाम। तो अगर आप लोगों को याद हो या फिर अगर ऐसा है वाकई में तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हो, माइंड भी मैंने किसी और कंट्री का भी देखा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इंडिया में ही देखा है एक रोबोट था, हाँ मुझे लग रहा है। तो खैर आप लोग मुझे बताना। बाकी ये है कि सही है यार, वो पहले उन्होंने सैनिटाइजर वाला सिस्टम ऑन किया था, कपड़े को उठाने वाला जो कि हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर उन्होंने ये वाला बनाया अभी, और अभी मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी एज बढ़ेगी, वो रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें उनको इम्प्रूव करते हुए दिखेंगी। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर इनका बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी डेवलपमेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, लास्ट में ये कहूँगी कि यार उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा शायद ज़्यादा है कि नहीं है, मुझे तो सही लग रही है, क्योंकि रोबोट का इतना मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन यह है कि जो सर्विसेज हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
और मेड इन इंडिया भी रोबोट होने चाहिए और बनने चाहिए इंडिया में रोबोट, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आई थिंक शार्क टैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताओ। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।